नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। लॉकडाउन का दौर है, हर आदमी अपने घर पर है। उसी दौरान खाने पीने की चीज़ों के रेट तो बढ़ ही गए, साथ ही चुनाव खत्म हुआ। जी हाँ, पश्चिम बंगाल असम में जहाँ चुनाव होना था, अपने आप मैं आज जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ उसके रेट घटने बढ़ने के बजाय स्थिर हो गए थे। दो महीने घटे ना बढ़े, जबकि सरकार का साफ तौर से कहना है ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से यहाँ के पेट्रोल और डीजल के दाम तय होते हैं। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा आज का रेट। आप ध्यान से देखिए, 103 रुपये 22 पैसे, आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, 103 रुपये 22 पैसे आज का रेट पेट्रोल का। डीजल की बात की जाए तो डीजल का रेट 94 रुपये 5 पैसे, ये आज का है रेट है। जी हाँ, पिछले दिनों की बात की जाए, पिछले दिनों की तो छोड़िए, कल की ही बात की जाए तो कल क्या रेट था यहाँ पर पेट्रोल भरने। भैया आपका क्या नाम है? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र जी, बताइए जरा कल क्या रेट था? कल पेट्रोल 102 रुपये 94 पैसा था और डीजल 93 रुपये 74 पैसे। तो कितने डीजल में कितने पैसे बढ़ गए, पेट्रोल में? डीजल पेट्रोल में 28 पैसा और 74 86 29 पैसा। 28 पैसे और 29 पैसे की यहाँ पर डीजल और पेट्रोल के रेट में वृद्धि की गई है। आप खुद सोच सकते हैं, 103 रुपये पेट्रोल, जबकि डीजल 14। इस तरीके की यहाँ पर जिस तरीके का यहाँ पर मारामारी है, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर बात हो सकती। लॉकडाउन का दौर है, किसी को पता भी न चले और डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कुछ लोगों से बात करने की, शायद कुछ बातचीत हो जाए। ये बताइए भैया, यहाँ पर जिस तरीके से रेट घटे बढ़े हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से रेट क्या बढ़ने चाहिए, क्या लगता है, क्या असर होगा आपको? ये बहुत ज़्यादा ही असर पड़ रहा है, क्योंकि रेट घटना ही चाहिए। इस तरह महामारी में इतनी परेशानियों में फिर भी रेट बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि घटना ही चाहिए, इसको रेट तो घटना ही चाहिए। पर डे कितना इस्तेमाल करते हैं आप? पर डे डेली अपन गांव से आते तो 150-200 रुपये का डलवाना पड़ता, तब तो आना जाने के लिए संभावना होती। क्या नाम है आपका? MD सुल्तान फ्रॉम मुकुंदपुर। मुकुंदपुर से आने वाले हैं, साफ तौर से कहना 150-200 रुपये का हमारा रोज का खर्च है। ये रकम काफ़ी बड़ी होती है, जिस तरीके से भाव बढ़ना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम है। ये आप भी कुछ बोलना चाहें डीजल पेट्रोल के बढ़े रेट के बारे में? कुछ भी, जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है? हाँ, घटाना चाहिए रेट, क्योंकि अभी ऐसी कंडीशन है कि कुछ लोग तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है उनके पास, तो वो डीजल कहाँ से खरीदेंगे। कम से कम कुछ तो करें कि हर इंसान कम से कम खरीद सके। क्या नाम है आपका? सीमा पटेल। आपका कहना था कि रेट में कुछ वृद्धि कमी की जाए, जिससे लॉकडाउन का दौर है, हर आदमी अपने आप में परेशान है। कुछ तो सरकार रियायत दी, लेकिन लगता नहीं है सरकार किसी भी तरीके की रियायत देगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।